अनुसंधान के क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य मिले उसके आधार पर कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। राजधानी में अपराधियों का अपराध लगातार सामने आ रहा है और इसी बीच एक बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की निर्मम हत्या अपराधियों ने कर डाली थी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे आप, मैं हूँ अनिल। राजधानी पटना में अगर बात करें हम तो बीते दिनों लगातार आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है और इसी कड़ी में पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मंगल तालाब के पास तड़के सुबह बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया था कि तीन बाइक सवार अपराधी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और मुन्ना शर्मा को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो पटना पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए उस अपराधी करण कुमार को गिरफ्तार किया है जिसके द्वारा गोली मारा गया था। मुन्ना शर्मा बीजेपी के नेता थे और कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश को लेकर एक सन्नी कुमार नाम के उन्हीं के पास रहने वाले युवक से उनका विवाद चल रहा था, जिस मामले में कहीं ना कहीं सन्नी ने उनको टपकाने का प्लान बना लिया था। और करबिगैया थाना क्षेत्र से एक बाइक की चोरी घटना के एक दिन पहले की जाती है और उसके बाद मुन्ना शर्मा को तीन अपराधियों द्वारा गोली मारकर फरार हो जाता है और इस पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। आइए सीधे सुन बाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं ग्रामीण एसपी रोशन कुमार। दिनांक 9 सितंबर को सुबह 4:43 के आसपास मुन्ना शर्मा जो मंगल तालाब के रहने वाले उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उस संबंध में कांड दर्ज कर इसकी गंभीरता को देखते हुए एसआईटी बनाकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य मिले उसके आधार पर कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक के अनुसंधान में बात सामने आई है कि घटना के दिन सुबह 4:43 के आसपास तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर आते हैं। मुन्ना शर्मा जो वहीं चबूतरे पर बैठे हुए थे सड़क किनारे, उनके पास सीधा आके उनके पास गाड़ी रोकते हैं और उन पर 2 से 3 सेकंड के अंदर गोली मार के उनसे फरार हो जाते हैं। बाद में जो अनुसंधान हुआ उसमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद की गई छोटी पहाड़ी के पास से, जो बाईपास थाना क्षेत्र के अंदर आता है। मोटरसाइकिल के सामने पता चला कि वो घटना से बस 2 दिन पहले यानी 7 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में करबिगैया से चोरी की गई थी और 9 तारीख की सुबह में उसका घटना में इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी को लवाड़ी संस्था में छोड़कर अपराधी भाग गए वहाँ से। उनके भाग गाड़ी छोड़कर भागने का भी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और अन्य सूचना संकलन और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो भी प्राप्त हुए उसके आधार पर ही करण कुमार की गिरफ्तारी की गई है जो कि मिर्चाई गली थाना चौक का रहने वाला है। इसमें करण कुमार के अलावा उसके एक और जो सहकर्मी अपराधी है उसकी बात सामने आ रही, सनी मलिक। सनी और करण पहले भी 2021 में चौक थाना अंतर्गत लल्लू कुमार की हत्या हुई थी, उसमें लोग साथ में जेल गए थे जिसमें करण कुमार मुख्य अभियुक्त था। उसके बाद भी ये जेल से छूटने के बाद भी शराब के धंधा में और अन्य गलत कार्यों में संलिप्त रहा है। इस संबंध में और भी थानों में इसके ऊपर केस दर्ज होने की बात सामने आ रही है। गोपालगंज इलाके में एक एरिया में भी ये शराब की तस्करी में शामिल रहा है और 9 तारीख को घटना के बाद इसने नया फ़ोन भी लिया था और इसकी जो घटना में जो फुटेज में दिख रहा है वो टोपी भी बरामद हुई और इसकी निशानदेही पे एक कट्टा भी बरामद किया गया। इसमें इस पूरे घटना का जो मुख्य सूत्रधार है वो सनी के बारे में बताया जा रहा है। इस जो इसे पूछताछ में सामने आई है सनी और मुन्ना शर्मा का पूर्व का कोई विवाद था जिसके बाद इसका सहयोग लेकर करण कुमार का सहयोग और एक अन्य अपराधी का सहयोग लेकर उनकी हत्या की गई है। कुल मिलाकर अभी तक ये बात सामने आई कि इस पूरे घटना का सूत्रधार सनी मलिक है जिसके द्वारा घटना में प्रयुक्त होने के लिए एक मोटरसाइकिल भी उपाय किया गया जो कि चोरी की है, जो घटना से बस एक दिन पहले ही चोरी की गई थी। तो कुल मिलाकर अभी तक यही बात स्पष्ट हुआ है कि आपसी दुश्मनी की वजह से घटना की गई है। घटना में अन्य कोई पहलू अगर अनुसंधान के क्रम में सामने आता है तो उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा और ये घटना मतलब का जो विस्तृत ये है डिटेल्स वो सनी मलिक की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट आने की संभावना है। तो हम लोग सनी मलिक की गिरफ्तारी में के लिए बड़ा प्रयासरत है, वो जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, पूर्ण पटाक्षेप हो पाए। आपको पहले भी बताया है कि करण और सनी पहले भी हत्या में एक साथ रहे हैं। इसके पहले इसमें ये भी तकनीकी साक्ष्य मिले हैं कि घटना से जस्ट 4-5 दिन पहले इसके द्वारा सनी के द्वारा करण की मदद से ही हथियार उपाय करने के लिए एक आदमी से संपर्क किया गया था, जिसके संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य मिले हैं जिसे स्पष्ट है कि सनी इसकी पूरी प्लानिंग घटना से एक हफ्ता पहले से कर रहा था।
आपको पहले स्पष्ट बताया है कि जो करण है वो ये बता रहा है कि सर वो हमारे साथ जो मिलके उसके दोस्त से हथियार जुगाड़ करने के प्रयास में था, प्लस जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी इसके द्वारा उपाय किया गया था, बस इसने उसका साथ दिया है। और इससे पहले वाली घटना में भी जो 2021 में मर्डर हुआ था उसमें ये उसके साथ रहा, और इससे पहले शराब के कारोबार में अन्य से कारोबार में दोनों सहकर्मी रहे। सहयोगी ने बताया नहीं क्या ये सिर्फ इतना बता रहा है कि सनी ने हथियार उपाय करने की कोशिश की, जब उसको नहीं मिला तो उसने मेरी मदद ली, मेरे को साथ चलने के लिए बोला, मैं उसके साथ बिल्कुल। देखिए इसके ऊपर शराब के संबंध में भी केस है, गोपालगंज थाना गोपालगंज जिले में केस की बात सामने आ रही, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि ये शराब की तस्करी में भी शामिल रहा है। हथियार कहाँ से लाया था? देखिए ये बात अभी तक न परिवार के द्वारा बताई गई है या न स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन विवाद की बात सामने आ रही है, ये भी उसमें कई तरह के पहलू आ रहे हैं। ये भी बात आ रही है कि कुछ दिन पहले गली में कुछ काम चल रहा था उसको लेकर सनी से विवाद हुआ था, कुछ लोग मतलब अलग अलग पहलू आ रहे हैं। अधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, और आसपास के रहने वाले हैं, तो इस संबंध में अगर कभी किसी बात को लेकर बकझक हो भी तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या का मामला पटना पुलिस ने सुलझा लिया है, वहीं इस मामले का मास्टरमाइंड सन्नी अभी भी पटना पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। वहीं गोली मारने वाले करण नाम के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, और तीसरा अपराधी अभी भी इस मामले में फरार बताया जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेता के इस मामले हत्या मामले में पूरा खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाइनेंस।